हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पे 50 मार्क्स हिंदी का काफ़ी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को लेकर आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे। दोस्तों, लास्ट तक देखेगा इस वीडियो को। 50 मार्क्स हिंदी का, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही है दोस्तों, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ 25 का जवाब देना है। कितना जान रहे थे वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और किसी भी प्रश्न का अगर जवाब जानते हैं दोस्तों आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा एक का या दो का भी, इस तरह से, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवाइज भी होता रहे। तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का कोई वीडियो लग रहा हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है दोस्तों, मोबाइल ऐप का, जहाँ पर 12 मॉडल से डाउनलोड लिंक लिखा हुआ रहेगा ऑफिशियल। तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोग को 20-20 मॉडल सेट के साथ साथ लघु और दीर्घोत्तरीय चैप्टर वाइज आप लोग को मिलने जा रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो दोस्तों भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद। कर्ता, ने, कर्म को, करण से, संपादन का, अपादन से, इस तरह से जो संबंध जितने भी कारक के भेद होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। तो याद रखिएगा कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद। याद भी नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछता है कि कर्ता ने, इस तरह से, कर्म को, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः हिंदी में जो है 6 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्यवहित समास, ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इस तरह के जितने भी बहुव्रीहि समास, टोटल 6 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 2 का B हो जाएगा 6। 3 नंबर है दोस्तों कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये सभी हिंदी व्याकरण के लिए, इंग्लिश में कुछ और होगा लेकिन यहाँ पे हिंदी में और संस्कृत में भी कुछ और हो जाता है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों हिंदी में, तो विशेषण के भेद होते हैं 4, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का A हो जाएगा। 4 नंबर है दोस्तों कि गणेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गणेश का सही संधि विच्छेद, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि गण जोर इस, गण जोर इस, गण जोर इस सभी में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गण जोर ईस, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका 4 का जो है, आपका राइट आंसर B हो जाएगा, गन जोर ईस, ठीक है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा 4 का B। 5 नंबर है दोस्तों कि हिंदी व्याकरण में, देखिए हिंदी व्याकरण पहले ही लगा दिया कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जो लिंग के भेद होते हैं दोस्तों वो होते हैं आप लोग को यहाँ पर कितना, वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे 5 का सही उत्तर आपका D हो जाएगा, लिंग के कितने भेद, तो यहाँ पे 5 का D हो जाएगा राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 6 नंबर है। बोला जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, मतलब क्या है दोस्तों। लेखक तो हैं लेकिन क्या है, कहानीकार है, निबंधकार है, नाटककार है, चित्रकार है, मतलब क्या चीज़ लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग में जो चैप्टर है दोस्तों जो लिखे हुए हैं ना, वो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, तो ये निबंधकार लिखते हैं, ठीक है, निबंध लिखते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का B हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन, यहाँ पे निबंधकार लेखक है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का B हो जाएगा। 7 नंबर जो है दोस्तों, बोला है कि इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। तो देखिए राष्ट्रकवि की उपाधि बहुत सारे कवि को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख जो है, महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, काफ़ी फेमस भी है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि ये रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म बिहार के ही सिमरिया में हुआ था दोस्तों, बेगूसराय में। तो इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। तो 7 का सही उत्तर आपका C हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर देखते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी कविता के कवि कौन है। तो भारत माता ग्राम वासिनी कवि के जो लेखक है दोस्तों, मतलब कवि है, उसका नाम है आपका सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले हैं दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत माता ग्राम वासिनी के लेखक या फिर प्रकृति के, देखिए नीचे है ना, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। देखिए 9 नंबर में कि सुमित्रा, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि आधुनिक युग की मीरा कौन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में 2019 में भी क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा, बहुत सारे छात्र मीराबाई में मार देते हैं लेकिन ये गलत है, ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, राइट आंसर 10 का C हो जाएगा, महादेवी वर्मा को
आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जो गौरा चैप्टर लिखा है, ठीक है, आप लोगों के 50 मार्क्स हिंदी में। तो राइट आंसर यहाँ पे 10 का सी। 11 है कि रहीम जो है किस काल के कवि थे, ठीक है। तो रहीम जो है आपको वो जानते होंगे दोस्तों, रहीम आपका भक्ति काल में पैदा हुआ था ना, तो ये भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। तो रहीम जो है यहाँ पे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, तो राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा। चलिए 12 देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि कलम का सिपाही, देखिए दोस्तों आप लोगों को कलम का सिपाही और कलम का जादूगर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। अगर कलम का जादूगर अगर पूछता दोस्तों आप लोगों को, तो ये हो जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर कलम का सिपाही आप लोगों को पूछता है, तो ये हो जाता है प्रेमचंद। बहुत सारे यहाँ पे छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कलम का सिपाही और कलम का जादूगर में अंतर है, ठीक है। अगर कलम का जादूगर आप लोगों को दिया रहे तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी मारना, अगर कलम का सिपाही दिया रहे तो आपको प्रेमचंद मारना, ठीक है। और कथा के सम्राट, देखिए ना हिंदी साहित्य में कथा सम्राट, तो कथा सम्राट, कलम का सिपाही प्रेमचंद, कलम का जादूगर अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये आपको प्रेमचंद मारना है यहाँ पे। तो 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 14 नंबर जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बोला जा रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बादल जो है दोस्तों, जिसको हम लोग मेघ भी बोलते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ हो जाएगा, तो राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं कि जल में रहने वाली सेना जो कहलाता है उसको बोलते हैं, जैसे जल में, तो समुद्र में रहने वाली सेना को हम लोग बोलते हैं नौसेना दोस्तों, ठीक है। जैसे वायु में वायुसेना, भूसेना, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना सेना जो आर्मी वाले रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 15 का डी नौसेना, ठीक है, जल में रहने वाली सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 16 नंबर है। बोला जा रहा है कि स्वर्ण का विशेषण क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को बताया भी था दोस्तों। तो स्वर्ण का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्णिम, याद रखिएगा 16 का बी हो जाएगा स्वर्णिम, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं कि झगड़ा का विशेषण क्या है। तो झगड़ा का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा झगड़ालू, तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का भी बी हो जाएगा झगड़ालू। 18 नंबर है कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लिंग के हिंदी में 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, याद रखिएगा 18 का ए। 19 है दोस्तों कि इज्जत शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इज्जत जो है दोस्तों कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है। तो इज्जत शब्द जो है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा 16 19 का ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए 20 नंबर देखते हैं दोस्तों कि धर्म अवतार का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्म अवतार का सही संधि विच्छेद, देखिए धर्म अवतार से लग ही रहा है कि धर्म जोर अवतार हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 20 का सी हो जाएगा। धर्म जोर अवतार धर्म अवतार हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 20 का सी। 21 है दोस्तों कि नागेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। नागेंद्र, नागेंद्र है ना, तो नागेंद्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका नग जोर इंद्र, ठीक है। अगर नागेंद्र रहता ना नागेंद्र, तो ये हो जाता आपका नाग जोर इंद्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नागेंद्र है, तो ये नग जोर इंद्र, न कि नगे जोर अंद्र, नग जोर अंद्र, नगे जोर इंद्र, ये आपका राइट आंसर है 21 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है दोस्तों। बोला जा रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों दिनेश, ठीक है। अगर रवि भी रहता तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन दिनेश भी यहाँ पे सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है, ना कि सूर्यपिंड मार देना आप लोग, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे दिनेश हो जाएगा। 23 नंबर है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय, देखिए लग ही रहा है विद्या ज्वर आलय, विद्या का आलय, ठीक है। तो विद्या ज्वर आलय यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 20 नंबर में है, 23 का बी हो जाएगा विद्या ज्वर आलय, राइट आंसर यहाँ पे 23 का बी, याद रखिएगा। 24 देखते हैं कि बाढ़ शब्द का विलोम शब्द लिखे। तो बाढ़ जो है दोस्तों उसका विलोम क्या हो जाएगा। तो बाढ़ का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका सूखा, ठीक है, विलोम मतलब उल्टा, अकाल, आंधी, प्रलय, ये सब बाढ़ का पर्यायवाची विलोम शब्द नहीं है, लेकिन सूखा जो है बाढ़ का ये विलोम शब्द हो जाएगा। 24 का सी। 25 है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द लिखे। गणेश को और किस नाम से बोलते हैं दोस्तों हम लोग। तो गणेश जी को पर्यायवाची शब्द अगर बोला जाए आप लोगों को, तो ये आपको गिरिजा नंदन बोलते हैं, गिरिजा शंकर नहीं, न कि गिरिजा गिरीश, ये गिरिजा नंदन बोलते हैं, तो राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा। 26 देख लेते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो आत्मा शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए हमको यहाँ पे आत्मा कौन सा पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है,
आत्मा जो है एक स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। 26 का बी, 27 है कि आस्तिक का विलोम क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता है और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक का उल्टा नास्तिक हो जाएगा। 27 का भी बी राइट आंसर। 28 है कि जीवन शब्द का विलोम शब्द लिखे। तो जीवन जो है दोस्तों उसका अगर विलोम अगर बोला जाए आप लोग को तो क्या हो जाएगा, जीवन शब्द का विलोम तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मरण। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का डी हो जाएगा, मरण राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग दोस्तों 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। इसी तरह के आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं चैनल पे। देखिए मॉडल सेट मैं आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रामर सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का आ रहा है दोस्तों इस चैनल पर, बने रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, क्लास 12 वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जरूर एक कीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के मैथ्स के साथ साथ अब 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए डॉट नेट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे